सूरा मेरे मज पम्मा डठण बिर मनी सिखा पधिंग समाधियानी। क्योंकि हम देखते हैं कि संविधान जब तक इम्प्लीमेंट होना था तब तक हमारे देश का जो स्ट्रक्चर था वो सोशल डेमोक्रेसी का नहीं था, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इसी वजह से नहीं आ रही थी क्योंकि सोशल डेमोक्रेसी में इक्वालिटी नहीं थी। तो हमें सामाजिक लोकतंत्र हमारे जीवन में नहीं था, इसीलिए महिलाओं की जो स्थिति थी पुरानी जो संविधान था हमारा मनुस्मृति के आधार पर, उसी आधार पर महिलाओं को आंका जाता था, उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता था। तो इस देश के कम 50% जो महिलाएं हैं वो भी अगर इतना समझ जाती कि भारत का संविधान ये है, दूसरे और साथियों को पुरुषों के लिए है या नहीं है, लेकिन भारत का संविधान मुझे तो इक्वालिटी देता है, मुझे मेरे जीवन में जितने भी मुझे अधिकार मिले हैं उतने सारे अधिकार जो इतिहास में मुझे नहीं मिले थे वो सारे अधिकार मुझे संविधान की वजह से मिले हैं। लेकिन वो अपने अधिकारों को अपने धर्म में खोजती है और वो धर्म में खोजती है, धर्म के जो रीति रिवाज होते हैं, जो धर्म ने बनाए हुए जो कर्मकांड होते हैं उसी के मुताबिक भारत की महिला अपनी सारी विचारधाराओं को उसी में डुबो देती है। इसीलिए वो संविधान का बेनिफिट नहीं उठा पाती क्योंकि वो संविधानवाद को नहीं समझती। अब यही बात उतने ही मायने में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज लोगों को लागू होती है। इस देश के एससी एसटी और ओबीसी और माइनॉरिटीज की संख्या अगर हम प्रिंसिपली देखते हैं तो करीब करीब 90% है, हम कम करते हैं, वैसे तो 95% है, लेकिन 90% अगर इस देश की पॉपुलेशन एससी एसटी और ओबीसी की अगर हम पकड़ लेते हैं तो कम से कम 90% लोगों ने तो ये समझ लेना चाहिए था कि संविधान मेरे लिए क्या देता है, संविधान की फिलॉसफी क्या है, कौन सी ऐसी संविधानवाद की निजी तत्व है जो मेरे लिए या मेरे जीवन को उजागर करने में मुझे मददगार सिद्ध होंगे। पिछले 70 साल में इन्हीं लोगों ने, एससी एसटी और ओबीसी और माइनॉरिटीज लोगों ने संविधान के पीछे की भावना को और फिलॉसफी को नहीं समझा, इसीलिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने आग्रह नहीं किया। और कभी भी कोई भी चीज अगर अच्छी हो और वो कम लोगों को पसंद आती हो और वो लोग अगर सत्ता में हो, जैसे कि राजा होता है और फीडल लॉर्ड्स होते हैं, जमींदार वर्ग होता है, कारखानदार वर्ग होता है और कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, ये निरंतर संख्या में कम होते हैं, लेकिन वो समाज के ऊपर इसीलिए कंट्रोल करते हैं क्योंकि समाज चलाने के जो बेसिक रूल है, बेसिक नुस्खे है, वो उनके हाथ में होते हैं। यह पहली बात तो यह होता है कि उनके पास काफी पैसा होता है, दूसरी बात है कि समाज में उनको अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि वो अच्छे होते हैं घर के, उनके पास सारी सुविधाएं होती है, संपत्ति होती है, इसीलिए उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है और वो जैसा चाहते हैं वैसा ही जो फॉलोअर क्लास होता है वो सुनते हैं और इसी के आधार पर देश चलते हैं। लेकिन बाबा साहब का जो संविधान है जिसको कि वी द पीपल समन संघ ने अपना लीडर माना है, इसकी बात निराली है, उसकी बात निराली है। सीधी वो बात जाती है बुद्ध के समन संघ के वक्त तक, और बुद्ध से पहले भी जो कि समन संघ हुआ था तो बुद्ध के जमाने में हम देखते हैं कि 16 जनपद थे जो कि लोकतंत्र के आधार पर अपना राजा चुनते थे और उस राजा का जितना भी टर्म होता था उसी टर्म तक वो राजा और उस राज्य में राज्य करता था और उसके जगह किसी और राजा और अगर कोई अच्छा इंसान कैरेक्टर पर्सन अगर आ जाता तो उस राजा के जगह पर उसका चयन हो जाता था। ऐसी एक अलिखित डेमोक्रेटिक पैटर्न की सिस्टम बुद्ध के जमाने में हुआ करती थी। बुद्ध ने सोशली उस बात को बहुत ही डेमोक्रेटिक ढंग से बहुत अच्छी तरीके से पुटअप किया और बुद्ध ने उस वक्त जो लोकतंत्र था, उस वक्त जो डेमोक्रेसी थी, उसको एक नैतिकता का आधार दिया। कौन सा नैतिकता का आधार दिया? तो बुद्ध का जो धम्म इस्टेब्लिश हुआ उसके रूल ही नैतिकता के ऊपर आधारित थे। बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्ध मुझे क्यों अच्छे लगने लगे, क्योंकि आज की डेमोक्रेसी के जो मॉरल वैल्यूज है, जो इथिकल्स रूल्स है, जो प्रिंसिपल्स है, मोरालिटी है, सारे के सारे रूल्स बुद्ध ने अपने जमाने में इम्प्लीमेंट करने के लिए धम्म की शिक्षा दी थी
और उन्होंने कभी भी महिलाओं को, गरीबों को, वंचितों को कभी भी नकारा नहीं था, बल्कि उन्होंने कहा था कि जो वंचित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, उसको सबसे ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, उसके जीवन में ज्यादा से ज्यादा दुरुस्ती आए, उसका जीवन ज्यादा से ज्यादा सुखी हो। इसी माध्यम से तथागत बुद्ध कॉमन मैन के बारे में, गरीब के बारे में और महिलाओं के बारे में सोचते थे। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध का धम्म मुझे आधुनिक जो डेमोक्रेसी है, आधुनिक जो लोकतंत्र है, उसका एक हिस्सा लगा, इसीलिए मैंने उसके प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने के लिए सोचा। और उन्होंने वैसा संविधान भी बनाया। संविधान में ऐसे कुछ प्रावधान बाबा साहब ने लगाए जो कि बुद्ध के धम्म के नीति तत्व के ऊपर आधारित थे, और वही तत्व जो आधुनिक विज्ञान है और आधुनिक डेमोक्रेसी के मोरालिटी के प्रिंसिपल्स है, उसी में भी आधारित है, ऐसा बाबा साहब ने पाया। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये सब कुछ हमारे हाथ से खो गया था क्योंकि हम लोग इतिहास में जागरूक नहीं थे, हम बिखर गए किसी वजह से, इतिहास में हमारी गलतियों की वजह से कहो या फिर किसी ने हमारे खिलाफ साजिश चली रची हो उस वजह से हो या फिर अन्य कोई पॉलिटिकल रीजंस हो उनकी वजह से, हम लोग वो जो पहले जमाने में जितनी भी जो हमारी फ्रेंचाइज हुआ करती, जो अधिकार हुआ करते थे, उसका हम उपभोग करते थे, वो अब अभी हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन अब हमारी ड्यूटी क्या है। तो बाबा साहब कहते हैं कि फॉर अवर्स, हमारे लिए अवर्स इज अ बैटल नॉट फॉर वेल्थ नॉट फॉर पावर, इट इज अ बैटल फॉर फ्रीडम, इट इज अ बैटल ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। हमारा जो संघर्ष है, हमारा जो युद्ध है, केवल सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं है, बल्कि हमारा जो संघर्ष है, हमारा संघर्ष हमारी मानसिक स्वतंत्रता के लिए, वो जो है हमारे फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए, और केवल आजादी के लिए नहीं, हमारा जो बैटल है, हमारा जो संघर्ष है, वो ह्यूमन पर्सनैलिटी, मानवता को, हम भी इंसान है और हमें इंसानियत के तौर पर सारे अधिकार एंजॉय करने का अधिकार है, इसीलिए हमारा ये युद्ध है, इसीलिए हमारा संघर्ष है। तो इस संघर्ष को पाने के लिए क्या करना चाहिए, इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि दो तीन बातें हमको गौर से करनी होगी, उसको समझना पड़ेगा। तो कहते हैं कि हमको पहले सजग होना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, उसको बुद्ध ने सम्मासति कहा है। बुद्ध कहते हैं कि आतापि संपजानो सतिमा, आपको अगर आपके खिलाफ कोई अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति या कोई व्यवस्था या कोई राजपाट या कोई पॉलिटिकल सिस्टम आपके ऊपर अगर राज नहीं करना चाहिए उसने और आपका गलत इस्तेमाल अगर नहीं करना चाहिए, तो आपको सजग रहना पड़ेगा, आपको जागरूक रहना पड़ेगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि जागरूकता कैसे आती है, कैसे आप सजग हो जाते हो, तो ये है कि आपका मन अगर शिक्षित बना हो, वो ट्रेंड माइंड अगर हो, उसको कल्टिवेट अगर किया गया हो, तो ही आपको जीवन में सजगता आती है। आपको पता चलता है कि मेरा कौन बेनिफिट उठा रहा है, वो सोशली हो सकता है, इकोनॉमिकली हो सकता है, पॉलिटिकली हो सकता है, या लिंग के तौर पर भी हो सकता है। अगर जब तक आप सजग नहीं हो जाते, जागरूक नहीं हो जाते, तब तक सामने वाला आपको जांचता और परखता है और देखता है कि ये इंसान तो बहुत सीधा साधा है, क्यों ना इसके ऊपर मैं अपना अधिकार जमा लूं। और जैसा वो रिस्पांस नहीं देता या कोई विरोध नहीं करता, तो वो फिर अपनी सत्ता उसके ऊपर जमाने की कोशिश करता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि हम लोग इतिहास में सजग नहीं रहे क्योंकि हमने सजग रखने के लिए ट्रेनिंग नहीं ली, शिक्षा नहीं ली, और हमारी प्रज्ञा को हमने विकसित करने की कोशिश नहीं की, इसीलिए हमारी सामाजिक गुलामी हमारे सामने आई। इसके लिए हम सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, बशर्ते कि कोई अलग जो जुल्म करने वाला है वो ज्यादा हो। तो बाबा साहब कहते हैं कि जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार है, ज्यादा जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए बाबा साहब ने जो नई सिस्टम जो हमको दी थी, वो मानवता की सिस्टम दी थी, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता और न्याय की और मैत्री की जो शिक्षा बाबा साहब ने हमको दी थी, उसका बेस बाबा साहब ने दो तरीके से बनाया। एक तो उसको कोडिफाइड किया, उसको कानून का स्वरूप दिया, कानून का जामा उसको पहना है, और दूसरा उसको आपके आचरण का वो भाग होना चाहिए, इसीलिए आपकी कल्चरल रिवोल्यूशन
बननी चाहिए, कल्चरल सांस्कृतिक डेवलपमेंट हो जानी चाहिए, इसीलिए बुद्ध का धम्म हमको दिया। हम दोनों तरीके से समझ नहीं पाए क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं थे, इसी वजह से पिछले 70 साल में हमारे हाल आज जो हम देखते हैं वैसे है। और ये क्यों हुए तो पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक तरीके से या इस अंग से अगर हम देखते हैं तो हमने संविधानवाद को समझने में कसूर किया, हम संविधानवाद को समझ नहीं पाए, इसीलिए ये लोग जो 3% संख्या में है, और बावजूद इसके कि हमको 1950 से 26 जनवरी से सारी चीजें मिली थी कानूनन, लेकिन हमारी जागृति नहीं होने की वजह से और हमने संविधानवाद को ठीक ढंग से नहीं समझने की वजह से ये दूसरी गुलामी की दौर हमारे बीच में आई है, और हम लोग अभी भी उस गुलामी में इधर उधर ढूंढते हैं कि कहां पर हमारी मुक्ति है। तो बाबा साहब 1936 में एक बहुत ऐतिहासिक व्याख्यान देते हैं, इमेंसिपेशन व्हाट वे, मुक्ति किस मार्ग से आपको मिलेगी, कौन से मार्ग से आपको मुक्ति मिल सकती है, आप आजाद हो सकते हो सोशली इकोनॉमिकली पॉलिटिकली। तो बाबा साहब कहते हैं कि इसके लिए महापरिनिब्बान सूत्र में भगवान बुद्ध ने जो आनंद के साथ जो संवाद किया था उसी संवाद का बाबा साहेब इस भाषण में उल्लेख करते हैं, इमेंसिपेशन व्हाट वे, मुक्ति कौन पते इस व्याख्यान में। वो कहते हैं कि आपकी मुक्ति है आपके मन की आजादी करने के बाद जो आपकी स्थिति आ जाएगी उसके ऊपर निर्भर है। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो बाबा साहब कहते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, आपके मन का अंतिम विकास करना, अपने मन को एक सुदृढ़ बनाना, यही आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और जो कोई साथी चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, जो जानता हो परिस्थितियों को या फिर किसी की चालों को पहचानता भी हो या नहीं भी हो, लेकिन अगर उसका टारगेट है कि मेरे मन को मैं सिंचित करूं, विकसित करूं, उसको दिन ब दिन सिखाता रहूं और अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए मैं निरंतर बना रहूं, तो वो पढ़ा लिखा नहीं होने के बावजूद भी वो नैतिकता का जीवन जी सकता है क्योंकि वो समाज से सीखता है। और बाबा साहब ने ये भी कहा है कि समाज ये माध्यम है इंसान को बनाने का। ये अनौपचारिक शिक्षा जो होती है, जो लोग स्कूलों में नहीं जाते लेकिन इतने नीतिवान कैसे होते, इतने ईमानदार होते कैसे, भले ही वो स्कूल में नहीं जाते हो लेकिन वो नीति की शिक्षा है वो समाज से पाते हैं, और वही लोग नीति की शिक्षा ठीक ढंग से पाते हैं जिनका मन स्वतंत्र हो गया हो, जिनके मन को लॉजिकल थिंकिंग समझती हो, कौन भला कर रहा है कौन बुरा कर रहा है इसकी समझ उसका मन जानता हो, ऐसा इंसान। तो बाबा साहब कहते कि ना तो पढ़े लिखे लोगों ने और ना ही अनपढ़ लोगों ने ये जाना और ये संविधानवाद को नहीं समझा, इसीलिए सोशली पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली हम लोग आज तक फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और अगर आने वाले समय में जल्द से जल्द अगर हम लोग इस संविधानवाद को ठीक से नहीं समझेंगे तो बचे कुचे जितने भी अधिकार हमारे संविधान ने हमको ऑफर किए हैं वो भी हमारे हाथ से जाने के कगार पर है, वो जा गए हैं ऐसा ही कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि जितने भी हमारे पॉलिटिकल राइट्स थे, खासकर एक पॉलिटिकल राइट बाबा साहब ने जो दिया था वो था वोट फ्रेंचाइज, हमको वोट डालने का जो अधिकार दिया है वो भी अधिकार इलेक्ट्रॉनिक मशीन सिस्टम से हमारे हाथ से छीन लिया गया, ऐसा ही महसूस होता है। जर्मनी में 2002 और 2003 के करीब सिर्फ दो लोगों ने, जर्मनी के दो सिटीजन लोगों ने वहां के सुप्रीम कोर्ट में ऐसा पिटिशन कहा कि हम लोग जो वोटिंग करते हैं, वोटिंग करने के बाद हमारा वोट कहां पर जाता है और वोट करने के बाद हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं बचता, या वोटिंग जो लेने वाली जो सिस्टम होती है, जो लोग होते हैं वो हमको नहीं बता पाते कि मेरा वोट मैंने किसको दिया, ये मुझे बता दो, इसीलिए मुझे मेरे वोट का अधिकार फ्रेंचाइज करने की जो आजादी है वो नहीं मिली है, इसीलिए ये जो वोटिंग मशीन है ईवीएम मशीन है इसको बंद करा दो और वैसे ही पुरानी जो बैलेट सिस्टम है वही लागू कर दो। दो लोगों ने रिट पिटीशन दाखिल किया और जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट में केवल दो लोगों के अधिकारों के लिए देश के बारे में सोचा और वो ईवीएम मशीन का प्रयोग बंद कर दिया गया। जिस जापान कंट्री से ये जो वोटिंग मशीन जहां से पैदा हो गई थी
और ईवीएम मशीन का शुरू में सबसे पहले प्रयोग किया गया था उस जापान में भी ये वोटिंग मशीन का अभी उपयोग नहीं होता है, उसका प्रैक्टिस नहीं होती है। लेकिन हम लोग संविधानवाद को ठीक ढंग से नहीं समझने की वजह से मेरे वोट के राइट का क्या होता है, कौन सा वोटिंग राइट मुझे संविधान ने दिया है, उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, ये संविधानवाद में हम लोग समझ नहीं पाए। और इतने अधिकार को, इतने सारे हमारे सामने हर कोई वोटिंग होता है, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, या किसी महानगर पालिका का हो, या ग्राम पंचायत का हो, कहीं का भी इलेक्शन हो, उसमें हम हजारों के तौर पर देखते हैं कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई, वहां पर गड़बड़ी हुई, संख्या से ज्यादा वोट पड़े, और एक जो जितने दो तीन लोगों के वोट की जितनी बेरीज हुई है, जितना टोटल हुआ उससे ज्यादा वोट पड़े। तो इसका मतलब है कि ये गड़बड़ी को हम संविधानवाद नहीं समझने की वजह से हम लोग समझ नहीं पाए। इसके ऊपर इलाज क्या है, तो बाबा साहब ने कहा है कि अलर्ट रहना ये एक इलाज है। अलर्टनेस कैसा आता है, तो जो शिक्षा हम लोग लेते हैं, क्या मैं जो शिक्षा ले रहा हूं वो शिक्षा मेरे संविधान ने बताए हुए संविधानवाद के मुताबिक दी जा रही है, या उसके बेसिक प्रिंसिपल को वो वायलेट कर रही है। आज की जो शिक्षा नीति बनी है 2016 और उसके बाद की, वो नीति अगर हम गहराई से देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी शिक्षा नीति है जो संविधानवाद में, संविधान में जो हमको लिखित अधिकार जो शिक्षा के दिए गए थे उसके मुताबिक नहीं मिलने की वजह से आने वाले 4-5 साल में हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बुरे हालात होने वाले हैं, और हो सकता है कि हमारे आने वाले बच्चे ठीक ढंग से स्कूलों में, कॉलेजों में और टेक्निकल एजुकेशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि शिक्षा को बहुत ही महंगा किया जा रहा है। तो ऐसे हालात में हम लोग जी रहे हैं, ऐसी हालात को अगर हम समझ ले, देख ले और जागरूक रहे तो हम लोग जल्द से जल्द विद पीपल समन्वय संघ में जुड़ सकते हैं। बस एक ही रीजन है, हम चाहे हम लोग इकट्ठा नहीं है, हम लोग समझते नहीं है, हम लोग बिखरे हुए हैं, ये सारा कुछ बाजू में रहने दो, लेकिन मेरे संविधान का जो संविधानवाद है उसको क्या मैं समझ पाया हूँ, और वो समझ संविधानवाद को नहीं समझने की वजह से क्या मैं जागरूक हूँ। अगर मैं जागरूक नहीं हूं तो मेरे बगल वाले साथी को, मेरे घर के मेंबर को, मेरे समाज के घटक को, मेरे समाज के जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे दोस्त हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, जितने भी मेरे से जितने सुख दर्द, जितने जिन लोगों के मेरे जैसे मिलते जुलते हैं, कम से कम मैं उनको तो जागरूक करने का काम करूं। तो ये जागरूक करने का काम तभी संभव हो सकता है जब हम संख्या में ज्यादा होते हैं, और संख्या में ज्यादा कब होंगे हम, जब हम लोग किसी भी समस्या को निपटाने के लिए इकट्ठा आ जाए। संख्या में, डेमोक्रेसी में बहुत वैल्यू होता है संख्या को, कोई भी चीज अगर आप संख्या से ज्यादा जुड़ जाते हो तो आप चुनाव जीत जाते हो, आपके इकोनॉमिक अधिकार पा जाते हो, आपके ऊपर जो भी अन्याय होते हैं उसको आप खत्म कर सकते हो। तो सारा कुछ खेल है इकट्ठा आने का, तो इकट्ठा आने का खेल अगर हम समझते हैं तो ही हम संविधानवाद को, जो नहीं समझे उसको कम से कम इम्प्लीमेंट तो कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि समाज के सारे जो जितने एससी एसटी और ओबीसी के 85-90% लोग हैं वो सारे के सारे संविधानवाद को समझे, लेकिन उसमें से जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो तो कम से कम हमारी जिम्मेदारी समझ ले कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे संविधानवाद समझ में आया है और मैं जागरूक हो चुका हूं, मैं मेरे अगल बगल के साथी को जो मेरी बात को मानता है कम से कम उसको तो भी मैं जागरूक करने का काम करता हूँ, उसको मैं जोड़ने का काम करता हूँ, ये मेरा निजी कर्तव्य है। अगर मैं ये इतना भी कर्तव्य अगर नहीं निभाता हूँ तो बाबा साहब कहते हैं कि आपने 1927 में बाबा साहब ने महिलाओं को कहा था कि आपके पेट से हम पैदा होते हैं और हम लोग ऐसी स्थिति में आप पैदा कर देते हो कि हमें खाने पीने की और कोई सुविधा नहीं रहती है, हम ना तो रस्ते से घूम सकते हैं, ना स्कूलों में जा सकते हैं, ना हम संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, ना कोई व्यवहार कर सकते हैं, ऐसे लोगों को तुम क्यों जन्म देती हो, इसके बजाय आप लोग, आप सारी हमारी माएं हैं, हमको गर्भ में ही क्यों नहीं मार डालते हो। तो ये आह्वान करते हैं बाबा साहब महिलाओं को, और ये उस वक्त के लोगों को बाबा साहब आह्वान करते हैं। वही चीज आज जैसे कि वैसी है, अभी हम लोग इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी करीब करीब ये 90% लोगों में से करीब 30-40
करोड़ लोग अब हमारे बीच में ऐसे कि जो सुशिक्षित है, पढ़े लिखे है, लेकिन पढ़े लिखे लोग इकट्ठा आने की बात समझ नहीं पाते क्योंकि उनके अपने ईगोज है, उनके अपने बिखराव के बहुत सारे कारण है, उनके भी छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, फैमिली के मैटर होते हैं, समाज के मैटर होते हैं, कहीं एक दूसरे के स्वभाव के मैटर्स होते हैं, ये लोग हम लोग सुलझ नहीं पाते, समझ नहीं पाते और इसीलिए हम लोग इकट्ठा होने की सोचते नहीं है। तो इसीलिए बहनों और भाइयों हमको सबसे जरूरी क्या है, तो सारी बातों को भूलकर हम इकट्ठा आ जाए। इकट्ठा अगर आ जाएंगे तो हम सजग हो जाएंगे, सजग होने की वजह से हमको हमारे अधिकारों के प्रति सजगता आएगी और हमारे अधिकार कहाँ से मिलते हैं उस संविधान का हम पता खोज कर लेंगे, कौन से आर्टिकल में मेरे अधिकार किस अधिकार कैसे छिपे हुए हैं और मेरे संविधान में लिखा हुआ मेरा जो संविधानवाद है वो कहाँ छुपा हुआ है, इसकी खोज में हम लग जाएंगे। मगर इससे पहले सबसे पहले हमको इकट्ठा आना है, जुड़ना है, जोड़ना है और जुड़ना जोड़ना यही सारी बातों का मूल मंत्र है। यही बात हमारे महान समन संगीत पुरखों ने भी अवलंबित की थी, उसके ऊपर आचरण किया था, यही पश्चिम को उपनाय को बुद्ध कहते कि आओ इसको आचरण करके देखो। और जो धम्म है बाबा साहब कहते हैं कि जो बुद्ध का धम्म है वो संविधान जो है बुद्ध के धम्म का प्रतिध्वनि है। तो इसका मतलब चाहे हम भगवान बुद्ध का दिया हुआ तथागत का धम्म आचरण करें, संविधान की सारी बेसिक प्रिंसिपल को हम समझ ले, उसके प्रति हम जागरूक हो जाए और वो ये सारी बातें करने के लिए हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे, ऐसा करेंगे तो ही हमारी जीत है, वरना केवल खोखले शब्दों में कुछ नहीं रखा है। तो हमें गहराई से इसके ऊपर गंभीरता से सोचना है, हमको इकट्ठा होना है, जुड़ना है, जोड़ना है। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, संघम नमामि, जय संविधान। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Yeah.
साधु साधु साधु।